हाँ एंड हेलो मेरी बच्चा पार्टी। तो मेरी बच्चा पार्टी बहुत टेंशन में आ चुकी है क्योंकि आज नीट का रिजल्ट आ गया है और उन्होंने जैसे ही अपनी ऑल इंडिया रैंक देखी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं। बेटा पहले तो आप ये समझिए कि आप जो कॉलेज लेने वाले थे वो ऑल इंडिया कोटा से लेने वाले थे कि छत्तीसगढ़ कोटा से लेने वाले थे, स्टेट कोटा से लेने वाले थे। आप अगर स्टेट कोटा से लेने वाले थे तो आप ऑल इंडिया रैंक क्यों देख रहे हैं? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ऑल इंडिया रैंक से ही डिसाइड होता है। यस बिल्कुल होता है, लेकिन वो होता है राजस्थान, बिहार या फिर हम बात करें एमपी। क्यों? अब बात सुनो, 25 लाख लोग एग्जाम देते हैं, छत्तीसगढ़ के कितने बच्चे हैं उसमें? 25,000 मतलब 30,000 मान लो, तो लगभग 1% है। 1% बच्चे हैं पूरे के पूरे जो ऑल इंडिया से जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के मात्र 1% बच्चे हैं। तो क्या वो 1% मायने रखता है ऑल इंडिया रैंक के लिए? बिल्कुल भी नहीं मायने रखता है। क्यों? हाँ मैं बोल सकता हूँ कि एमपी के जो है उसका परसेंटेज शेयर बहुत ज्यादा है, यूपी का, राजस्थान का, इनका 10% से भी ज्यादा परसेंटेज शेयर है। मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा रजिस्टर्ड करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं करते हैं। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, छत्तीसगढ़ में फर्क नहीं पड़ता उतना ज्यादा, ऑल इंडिया रैंक से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ कट ऑफ क्या जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले आप ये समझिए कि आप इतना पैनिक मत कीजिए। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब कुछ महानुभाव यूट्यूब पे बता देंगे कि यहाँ पे लास्ट ईयर ना 80,000 रैंक तक कॉलेज मिला था, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे हिसाब से 530 मार्क्स पे 80,000 रैंक थी ऑल इंडिया, तो बोल देंगे इस बार भी 80,000 रैंक तक ही मिले। अरे गधो, 80,000 रैंक तक अगर इस बार मिलेगा तो क्या छत्तीसगढ़ का कट ऑफ 600 नंबर जाएगा? 600 नंबर पे इस बार 80,000 रैंक है। अरे भाई छत्तीसगढ़ का 700 प्लस में एक ठो बच्चा है, जबकि 700 में आप रैंक देखो तो बहुत ज्यादा है। तो आप ये समझो छत्तीसगढ़ के कितने बच्चे हमारे बीच में आए। भाई हम 85% से कॉलेज लेने वाले हैं, ना कि हम ऑल इंडिया के 15%। तो आप क्यों इतना पैनिक करो? अब बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं सर 580 में कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा भाई, 570 में क्यों नहीं मिलेगा यार। आप ये देखो मैंने क्या बोला, 1% लोग हैं 25 लाख में जो छत्तीसगढ़ के जो नीट का एग्जाम देते हैं, मात्र 1%। अगर हम 1% रैंक जितना डिफरेंस हुआ उसका 1% निकाल के भी बच्चे जोड़ दें तो ज्यादा से कट ऑफ कितना बढ़ेगा? 50-100 बच्चे आएंगे बीच में। अगर 100 बच्चे भी आते तो कितना बढ़ेगा? 10 नंबर 15 नंबर। ऑलरेडी मैं उसको 20 नंबर आपको बढ़ा के ही, 14-15 नंबर बढ़ा के ही बताया था, क्योंकि लास्ट ईयर 530 गया था। हाँ मानता हूं कि जो 544 मैंने बताया था उतना कट ऑफ नहीं जाएगा, उससे और ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है। तो हो सकता है कट ऑफ क्या जाएगा उसमें इंतजार करो, लेकिन हाँ मैं आपको एक कंफर्म बता दे रहा हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपके 555 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल रहा है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है बेटा, ऑल इंडिया रैंक से इतना मत डरो। और अगर आपको नहीं माननी है बात तो फिर ठीक है, 600 नंबर कट ऑफ जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक कितनी गई थी आपकी? 80,000 गई ऑल इंडिया रैंक, हाँ मतलब कट ऑफ 530 गया था, जिसपे ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी गई थी? ऑल इंडिया रैंक 80,000 गई थी, तो इस बार 600 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक 80,000 है, तो आप मान लो फिर 600 कट ऑफ जाएगा। क्यों डर रहे हो यार इतना? मैं हूं ना यार, नहीं टेंशन लेना है भाई। अच्छा तुम एक कहानी और बताता हूं, ऐसा पहली बार हुआ है कि रैंक इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया, तो हर बार हो रहा है ना। अब मैं बात बता रहा हूं 2019 की, 2019 में 622 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक 3700 थी, बिल्कुल आप डेटा को टैली कर लेना। और फिर 2020 में 634 नंबर पे जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 8000 थी। इसका मतलब क्या हुआ, रैंक डबल हो गई, 4000 से 8000 हो गए, 12 नंबर भी बढ़ गए। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ के कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, इवन छत्तीसगढ़ का कट ऑफ कम हो गया था यार। तो तुम क्यों डर रहे हो यार? वो इसलिए कम हो गया था क्योंकि कुछ कॉलेज ओपन हो गए थे, इस बार कॉलेज तो ओपन होने वाले नहीं, इसलिए छत्तीसगढ़ के कट ऑफ की बात करनी है हमको यार। हमको ऑल इंडिया से नहीं लेना है यार, ऑल इंडिया के मैं मानता हूँ कि 650 कट ऑफ जाएगा, 645 जाएगा, जो भी है, लेकिन हम ऑल इंडिया से नहीं जा रहे हैं, हम तो अपनी छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं ना। तो छत्तीसगढ़ का पहले तो ये समझो कि शेयर क्या है, 1% ही है 25 लाख में। इसलिए मैं बार बार आपको एक चीज समझा रहा हूँ, पैनिक मत कीजिए। और एक चीज और समझिए, अगर नहीं भी मिल रहा हुआ कॉलेज 580 तो पैनिक करके मिल जाएगा क्या? नहीं, आपने मेहनत किया, आपने नंबर लाए, बस आपको अभी समझना होगा कि भैया जो जनरल वाले बच्चे हैं या ओबीसी वाले उनको फिजिक्स बनाना होगा। अब ये नहीं चलेगा कि फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, फिजिक्स नहीं हो रहा, भैया कोई टीचर आपको नहीं समझा सकता जब तक कि आप खुद से उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे। तो आप समझिए कि कट ऑफ बढ़ ही रहे हैं हर साल, और छत्तीसगढ़ के धीरे धीरे बढ़ेंगे क्योंकि, लेकिन छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन बहुत कम, इसलिए उतना तेजी से कट ऑफ नहीं बढ़ेगा जितना कि बाकी स्टेट का बढ़ता है, लेकिन बढ़ तो रहा ही है ना, तो आपको करना पड़ेगा। अब अगर हम अपनी बात कर लें तो हमारे यहाँ से 650 प्लस में 4 बच्चे हैं, ठीक है, और 600 प्लस में अभी जो है अभी तक हमको पता चला है वो 38 से 40 बच्चे, और ये भी मैंने पहले वीडियो में बोला था, जब मैंने पहले वीडियो बनाया था और ये बताया था कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे, तो किसी ने कमेंट किया था कि अगर आपके यहाँ इतने बच्चे नहीं हुए तो मैं कंज्यूमर फोरम में जाके आपकी शिकायत करूंगा। तो उनको मेरा खुला चैलेंज है, वो कल आ जाइए हमारे इंस्टीट्यूट में, हम आपको 600 प्लस में 40 बच्चे दिखा देते हैं। अगर नहीं होंगे तो पर कर दीजिए आप केस, और अगर आप नहीं कर सकते तो उल्टे सीधे कमेंट भी मत किया जीजिए, हमको पता है आप कौन है। लेकिन वही है ना कि हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला ही करेगा आपके साथ, और ऑलरेडी वो हो रहा है आपके साथ, ऊपर वाला कर रहा है। तो कृपया अगर ये एक मिनट पहले
मतलब अकाउंट बना के कमेंट मत किया करिए। अगर आपको कमेंट करना है तो कम से कम आईडी तो पुराना यूज कर लीजिए, सामने वाले को पता तो ना चले। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट के पास इतना टाइम है कि वो एक नया ईमेल आईडी बनाए मेरे यहाँ पे कमेंट करने के लिए? भैया उसके पास इतना टाइम नहीं, वो अपना पढ़ने में टाइम देगा, वो यहाँ पे कमेंट करने में टाइम नहीं देगा। और अगर हम गलत होते तो हमें हर बार एडमिशन क्लोज नहीं करने पड़ते। हम कुछ तो बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं जिस वजह से हमको एडमिशन क्लोज करने पड़ते, बच्चे हमारे ऊपर ट्रस्ट करते, भरोसा करते। मैंने कई बार बोला है कि हम तीनों पढ़ाने में 19-20 हो सकते हैं, लेकिन हम जो उनकी केयर करते हैं, हम उनकी फैमिली, हम उनके भाई, हम उनके पिताजी हैं यहाँ पे, हम उनकी मम्मी हैं, हम उनके सब कुछ हैं यहाँ पे। कोई भी बच्चा अगर हमारे पास आता है, पूरी हेल्प की जाती है, हमें हमारे द्वारा समझाया जा सकता है। हो सकता है कि हमारा समझाने का मेथड उनको समझ में नहीं आए, लेकिन हमारी तरफ से दिन रात मेहनत करते हैं। अभी मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से आ रहे बच्चों के डाउट क्लियर करके, लेकिन जब मैंने देखा बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो भी मैं हेल्प करने के लिए आ गया। मुझे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला इस वीडियो से, लेकिन मैं सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ। और हम वही करते हैं, जब ये उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट होते हैं वो तो मुझे पॉजिटिविटी देते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता कि आप पकड़े जाते हो बार बार। आप कम से कम एटलीस्ट जो आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हो, कम से कम 2 साल पुरानी यूज कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके नंबर अगर 555 प्लस पे आ रहा है तो आपका भी कॉलेज मिल रहा है, बिल्कुल नहीं डरना। और थोड़ा सा और मुझे एनालिसिस करने दीजिए, मैं बाकी कैटेगरीज का भी कट ऑफ बता दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, कूल रहिए। चलिए मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ।